दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर एंड्रॉयड मोबाइल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर अगर आप गेमिंग वीडियोस बनाते हैं तो ऐसे में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। और इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी वाटरमार्क नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एड्स नहीं आएंगे और ना ही ये एप्लीकेशन लैग करेगी। और अगर आप फ्री फायर या पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं और अगर आप अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में आपको इंटरनल ऑडियो का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब बाहर की कोई भी आवाज़ अगर आप चाहते हो ना आए तो आप इंटरनल ऑडियो को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उसका नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ये एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको हिंट स्टार्टिंग में ये देना चाहता हूँ कि कोशिश करो कि इसे क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल करो, वहाँ पर थोड़े से आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने AZ स्क्रीन रिकॉर्डर इस एप्लीकेशन को ओपन करा। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ये छोटे छोटे ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं। ये जो सबसे पहला ऑप्शन बना हुआ आ रहा है रिकॉर्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइमर चलेगा और सीधा आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ करेंगे वो सारी रिकॉर्ड होती जाएगी। अब दोस्तों लेकिन अगर आप फ्री फायर गेम खेलते वक्त सिर्फ इंटरनल ऑडियो को ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन बना आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोने में आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ पर जो जो सेटिंग मैंने ऑन करी हुई है या फिर जो जो चीज़ें ऑफ करी हुई है एग्जैक्टली आपको वही सेम चीज़ें करनी है जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑडियो सोर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला माइक्रोफोन और दूसरा इंटरनल ऑडियो। अब दोस्तों अगर आप माइक्रोफोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, मतलब मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आप गेम प्ले कर रहे हैं उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी और फ़ोन के बाहर जो आप बोल रहे हैं या फिर जो बाहर की नॉइज़ आ रही है एक्सटर्नल नॉइज़ वो भी साथ में रिकॉर्ड होगी। लेकिन दोस्तों नीचे जो इंटरनल ऑडियो वाला ऑप्शन है अगर आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर सिर्फ इंटरनल ऑडियो ही रिकॉर्ड करेगा, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर कोई भी एक्सटर्नल नॉइज रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप बैक के बटन पर क्लिक कर दो, इसके बाद आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑरेंज कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही इस बटन पर आप प्रेस करोगे ये सीधा रिकॉर्डिंग या फिर जो भी आपने गेम प्ले अपना रिकॉर्ड करा ये डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाके ये वीडियो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताया जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं या फिर अगर आप गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दो।